There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would. Voice, not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. मैंने यहाँ से एक सेक्शन लिया. अच्छा, अब ये डिपेंड करेगा कि आपको कितने बालों के ऊपर में मतलब कितने सेक्शंस निकालने हैं, कितने फॉइल लगाने हैं, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के ऊपर में कि क्लाइंट की विजिबिलिटी कैसी चाहिए बालों की. जब भी आप लोग काम करते हैं आपको क्या करना है, जब आप नीचे की तरफ में काम करते हैं, नीचे की तरफ में आप कम फॉइल लगाइए, ऊपर जाते जाते ज़्यादा कर दीजिए, इन केस क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ऐसा है कि उसको बालों में ज़्यादा कलर कुछ होना चाहिए, क्योंकि नीचे नीचे जो कलर होगा ना वो वैसे भी छिप जाता है, जो ये वाले पार्ट के ऊपर में कलर होता है, क्योंकि ये वाले बाल उसके ऊपर आ जाएंगे. तो यहाँ पे हम ज्यादा काम करेंगे, यहाँ पे थोड़े हम कम सेक्शंस लगाएंगे. ठीक है, और भी इसको करने का एक तरीका होता है कि हम यहाँ से ऊपर से होर्सशू सेक्शन निकाले, जो हम ऊपर का ये सेक्शन निकालते हैं जैसे हम मेंस कट में होता है, या फिर ऊपर के इन बालों को सेपरेट कर देते हैं, ये वाला सेक्शन निकाले, उसी सेक्शन के ऊपर हाईलाइट लगा दे, बाकी कहीं भी ना लगाए. उससे क्या होगा, जो नीचे नीचे बाल है उन पे कौन से बाल गिरते हैं, यही वाले बाल ऊपर गिरते हैं, तो ये वाले बाल जब ऊपर गिरेगा ऐसा लगेगा सब बालों में कलर हो रखे हैं, या फिर ऊपर के इन बालों को सेपरेट कर देते हैं, ये वाला सेक्शन निकाले, उसी सेक्शन के ऊपर हाईलाइट लगा दे, बाकी कहीं भी ना लगाए. उससे क्या होगा, जो नीचे से फर्स्ट तो मैं इसमें वीविंग करूंगा. वीविंग को थोड़ा ध्यान से देखेंगे कैसे कर रहे हैं. यहाँ पे मैंने एक सेक्शन निकाला हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालने के बाद इसको होल्ड करेंगे थोड़ा सा बैक साइड से, कॉम को लेंगे, इसको ऊपर ठीक है. इसमें से मैं बालों को निकाल रहा हूँ और इसको छोड़ दूंगा. ठीक है, मैंने यहाँ पे एक वीविंग निकाल लिया है इस पैटर्न का, और जो रेस्ट बाल थे उनको मैंने छोड़ दिया है. ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे फॉइल पेपर लूंगा. फॉइल पेपर को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, कॉम को लगाएंगे बिल्कुल रूफ के पास जाते यहाँ पे. ठीक है, और कॉम को हम वहां से निकाल देंगे. मुझे क्या करना है, अब जहां पे ये बाल ऑलरेडी चिपक रहे हैं इसके ऊपर में प्रोडक्ट, बाल चिपक रहे हैं इसी के ऊपर में मुझे प्रोडक्ट को लगा दूंगा. यहाँ लिया, प्रोडक्ट लगा दिया, अब इसको छोड़ देंगे. छोड़ने के बाद में यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको कॉम के ऐसे रखना है साइड में. ठीक है, कॉम के मैंने कहाँ पे रखा है, अपने फिंगर्स के बीच में. उसके बाद में मुझे यहाँ पे फिंगर्स का यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखे कि मुझे क्या यूज करना है, यहाँ पे पाम का. इसको लिया, होल्ड करेंगे और हाथ को ऐसे रखेंगे, और अब कलर को लगाना है, साफ करेंगे. टिकल ब्रश, पहले उसी प्रोडक्ट को लगाना है जो ब्रश पे लगा हुआ है, अच्छे से पहले उसी को इमल्सीफाई करते रहेंगे. प्रोडक्ट को एक्स्ट्रा नहीं लेना है, ज्यादा प्रोडक्ट लगाओगे बाल ड्राई होगा, और कम लगाओगे तो कलर ठीक. ऊपर की तरफ कैसे ब्रश चलाना है, ऐसे वर्टिकल मूवमेंट में ब्लेंडिंग. अगर इन केस आप ऊपर भी बहुत हार्श ब्रश चला रहे हो तो वहां पे जो लाइंस बन जाएगी हार्श. इसको लिया, होल्ड इट, कॉम को निकाला जो मैंने फिंगर में फंसाई थी. ठीक है, कॉम को निकालने के बाद इसको हम कैसे रखेंगे, यहाँ पे मैंने इसको रखा, दो पार्ट के अंदर मैं डिवाइड करूंगा और इसको फोल्ड, यहां से इसको फोल्ड किया. ठीक है, फोल्ड करने के बाद इसको हाथ पे रखा, इस साइड से फोल्ड फॉइल को, दोबारा से इसको हाथ पे रखा, इस साइड से फोल्ड अगेन, यहां से फोल्ड और यहां से भी फोल्ड, इसको प्रेस करेंगे, ड्रॉप इट. ये सेक्शन मैंने ले लिया यहां पे, और इसके ऊपर में मैं जो वीविंग है वो वीविंग करूंगा. सर, ये सभी पूरे क्रॉम एरिया का जी, दोनों तरफ का, ऊपर के साइड नहीं करना. यस, दोनों तरफ में जो बैक साइड का ऊपर का सेक्शन होगा उसको ड्रॉप कर देंगे, और उससे नीचे वाली जो वीविंग है वो हम लेंगे. ठीक है,
बेस्ट अच्छा जितनी ऊपर आ जाते उतना काम करना इजी हो जाता है ठीक है। टॉप पे होल्ड करेंगे इसे वर्टिकल ब्रश टॉप पे लाइन से नीचे नीचे कलर लगाना है। दो पार्ट में डिवाइड फोल्ड फोल्ड फ्रॉम साइड ठीक है। अब जो मेरा सेक्शन यहां पे बचा ठीक है। अभी मैंने इसमें से भी इसको मैंने निकाला यहाँ पे वीविंग को और ठीक है एकदम पतली वीविंग की हुई है। बस वो एक साइड से शाइनिंग रखा जाता है एक साइड से थोड़ा रहा तो आप किसी भी साइड पे फोल्ड कर दो जी दोनों साइड जनरेट होगी। Thank you.